नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, इंडस टावर्स, एचएफसीएल और हिमाचली स्पेशलिटी केमिकल्स। तो हम देखेंगे इन स्टॉक्स को लेकर मार्केट में क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो एचएससीएल को लेकर वॉल स्ट्रीट पे एक आर्टिकल निकला था कि क्या इसकी इन्वेस्टमेंट रिस्की इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, तो आइए उसको लेके एक बार हम देखते हैं कि इन्होंने मोटा मोटा अपर लेवल पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप कंपनी की नेट डेट की बात करेंगे तो इनकी नेट डेट बढ़ गई है एक साल के अंदर काफी ज्यादा, तो इनके पास कैश रिजर्व भी है, तो नेट डेट इनकी काफी है। यहां पे आप देखेंगे तो इनकी इन्होंने अपनी नेट डेट काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि इनकी बढ़ गई है, तो डेट इक्विटी रेशियो 41% का है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी खासी इनके पास लाइबिलिटीज है। बट ओवरऑल ये लोग कह रहे हैं कि अगर कंपनी के पास इतनी अपने अगर सारे वो एसेट्स और वो सब बेचने लगे तो वो पैसा रेस कर सकती है और सारे डेट चुका सकती है। बट अभी की अगर मैं इनकी बैलेंस शीट बात करूं तो उतनी कंपनी स्ट्रांग नहीं है। तो इस टाइप की कंपनी को दोस्तों आपको फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आपको केवल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही कंसिडर करना है। अभी के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लीज इसको कंसिडर मत करिएगा। शॉर्ट टर्म में मैं देखूं दोस्तों तो ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के पास है। यहां पे देखिए ये वाली इसने ट्रेंड लाइन का ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो अभी 46.35 है, तो मेरा मानना है अगर ये स्टॉक 47 के ऊपर जाएगा तभी आप इसमें खरीदिएगा। और यहां पे देखिए 200 डे का मूविंग एवरेज और ये वाली एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है दोनों का, ये मैं बनिए तो आपको चार्ट दिखा देता हूं। तो यहां पे देखिए ये ट्रेंड लाइन भी काफी एक आपका स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह पास्ट में बिहेव कर चुकी है। यहां अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं तो 48 रुपीज के ऊपर ये स्टॉक हमारा रॉकेट हो सकता है और फिर ये जाके रुक सकता है 52, 56 और 60 तक ये स्टॉक हमारा इजीली आ सकता है। तो अगर आप इसमें अभी पोजीशन बनाते हैं और मान के चलिए अगर 48 इसने क्रॉस किया तो फिर ये स्टॉक बहुत तेजी से भागेगा। आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा करीब 44 रुपीज के पास का। मैं एक बार जो लिख देता हूं वो आप जो हमने डिस्कस किया है, स्टॉप लॉस 44 और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों इसमें वो आपके 52, 56 और 60 तक के रहेंगे और ये स्टॉक कैन बिकम रॉकेट अबव 48। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप केवल ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो 48 के ऊपर ही इसमें परचेजिंग करिएगा। एचएफसीएल की मैं दोस्तों अगर बात करूं तो इनका जो आजकल बड़ी न्यूज चल रही है मार्केट में लोग लेकर, वो ये है कि एचएफसीएल का जो बोर्ड है वो 750 करोड़ रेस करने का प्लान कर रहे हैं वेरियस इक्विटी बॉन्ड्स डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज के थ्रू। तो ये एक अच्छी खबर है एचएफसीएल के लिए। और स्टॉक में कुछ दिनों से जो गिरावट हुई थी 90 रुपए से 60 रुपए तक, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है, स्टॉक हमारा वापस रिकवरी के ट्रैक पे आ रहा है। हालांकि अभी ये स्टॉक अपने अच्छे रेजिस्टेंस पर खड़ा है, तो इस स्टॉक को केवल मेरा मानना है दोस्तों यहाँ 77 रुपीज के ऊपर ही खरीदिएगा। स्टॉप लॉस आप लोग करीब लगाइएगा 72 रुपीज का और टारगेट लेके हम चलेंगे 90 से 95 के आसपास का। मैं इसमें एक बार लिख भी देता हूं, स्टॉप लॉस आपको दोस्तों इसमें लगाना है 72 का, आपको इसको बाई करना है 77 के ऊपर और टारगेट जो हमारे रहेंगे वो करीब 90 से 95 रुपीज के पास के रहेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं एचएफसीएल के लिए। एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या इसे कोई 100 डे के मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल रहा है कि नहीं। मैं ये लाइव एनालिसिस करके इसीलिए आप लोग को दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि कैसे एनालिसिस की जाती है। जैसे यहां पे मैंने 100 डे का मूविंग एवरेज अगर सेट किया, देखिए दोस्तों उसके बहुत ऊपर चल रहा है, तो इसको अभी कोई इससे हमें क्लियर पिक्चर पता नहीं चल रही है, 100 डे का काम नहीं कर रहा है। एक बार 50 डे का लगा के देखते हैं, 50 डे के देखिए जस्ट ऊपर है ये स्टॉक, तो यहां पे देखिए 72.4 है, तो आप 72 रुपीज का स्टॉप लॉस को मूविंग एवरेज के हिसाब से भी सही है। आइए दोस्तों, अब कुछ दिनों पहले दोस्तों रिसेंट में अगर आपने देखा होगा तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अच्छी हमारे वापस रिकवरी आई है। उसका मेजर जो श्रेय जाता है वो वोडा आइडिया एचएफसीएल और इंडस टावर को जाता है। अगर मैं 7 सितंबर की बात करूं तो बाकी आप सभी को पता चल रहा होगा कि वोडा आइडिया की अभी हालत पतली चल रही है, बहुत ज्यादा ड्यूज है। तो अगर वोडा आइडिया कोलैप्स होगी तो जो आप कह सकते हैं कि इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर है उसके कोलैप्स होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है।
प्लस थोड़ा बहुत जिन्होंने बैंकिंग्स वाले हैं आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक येस बैंक वो भी काफी हद तक उनपे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आप यहाँ पे देखिए ना वोडा आइडिया करेंटली शेयर अराउंड 35% है रेवेन्यू शेयर 36% है टावर्स जो कंपनीज के रहते हैं तो 36% मतलब अगर वोडा आइडिया बंद हुई तो आप कह सकते हैं कि इनका जो इंडस टावर्स और ये कंपनीज है इनका 30-35% रेवेन्यू हो सकता है कम हो जाए इसी वजह से इनकी खबर आई थी जबकि ये बंद हो सकते हैं। तो वोडा आइडिया के संग संग ये स्टॉक भी बहुत तेजी से गिरे थे और जब वोडा आइडिया का स्टॉक रिकवरी के मोड में चल रहा है तो थोड़ा सा ये सारे स्टॉक्स भी हमारा रिकवरी अच्छी दिखा रहे हैं। अभी ये स्टॉक देखिए दोस्तों अपने 100 डे के मूविंग एवरेज और ये चल 90-240 के आसपास है उसके सपोर्ट पे अभी उसके थोड़ा सा ऊपर चल रहा है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 230 या 225 के पास का स्टॉप लॉस रखिएगा। टारगेट हमारे रहेंगे इसमें 260 और 280 तक के। तो इसमें दोस्तों आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो अराउंड आपको 225 से 230 का मेंटेन करके चलना है। टारगेट्स इसमें जो हमारे रहेंगे वो 260 और 280 के टारगेट्स को हम एम करके चलेंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।